आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा छठवीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आपको जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। उसका भाग एक लेंगे हमारे अतीत इतिहास, फिर भूगोल, फिर राजनीति जो और सामाजिक जीवन उसे बताएंगे। लेकिन आज हम आपको हमारे अतीत यानी इतिहास से संबंधित अध्याय एक क्या है, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। लेकिन बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने या पढ़ने या एडगेट का प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर लीजिए, अध्याय एक का पूरा अध्ययन कीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम अध्याय एक, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्रश्न नंबर एक, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों का उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। प्रश्न क्या है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो अभी आपको बताए थे कि आपको पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर, गेहूं और जो। भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया, तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गेहूं जो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। यह 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर संस्कृत, बी नंबर प्राकृत, सी नंबर तमिल और डी नंबर हिंदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्राकृत। यहाँ लिख देंगे आप बी नंबर प्राकृत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3, पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ए नंबर सूचना, बी नंबर स्रोत, सी नंबर साहित्य और डी नंबर संस्मरण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा। आप इस प्रश्न के उत्तर को आपकी जो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 में देख सकते हैं, खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर सी नंबर का होगा, 2700 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। प्रश्न क्या है आपका, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढकर और पढ़कर अतीत के बारे में जान सकते हैं। प्रश्न था आपका, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अतीत में जो होता है पुरानी जो जानकारी हम कैसे जान सकते हैं, तो अतीत में लिखी गई पुस्तक जो होती है, अतीत में जो पुस्तकों को लिखा गया था उनको ढूंढकर और पढ़कर हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो उत्तर बता देंगे, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टीवी, अखबार, मोबाइल आदि साधनों से प्राप्त होती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पांडुलिपि से क्या आशा है, प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी। तो उत्तर देखिए, अतीत में हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अतीत में यानी जो आपका अतीत था उसमें जो हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो उत्तर देखिए, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे और अभिलेख पत्थर और कागज़ दोनों पर लिखे जाते थे। इस प्रकार से इसका अंतर बता सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। उत्तर देखिए, प्राचीन काल में लोग यात्रा पैदल करते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर रखकर ले जाते थे। यात्राओं का प्रमुख कारण काम की तलाश, ज्ञान अर्जन एवं व्यापार था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, सहायक नदी किसे कहते हैं, गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन आदि हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
तो देखिए अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। प्रश्न क्या था आपका, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो आप उत्तर बताएंगे अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो उत्तर देखिए इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, वे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अतः इतिहासकार जासूसों की तरह हैं जो अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बी सी ई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। देखिए क्या बताया इसमें, सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बी सी ई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना में ईस्वी यानी एडी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 जो है आपका क्या है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। देखिए दिए गए रेखा मानचित्र आपकी बुक में बना हुआ है, उसमें निम्नांकित को दर्शाएं। जैसे क्या दर्शाना आपको, गंगा की नदी, नंबर 1 गंगा नदी, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी, नंबर 3 पूर्वी और पश्चिमी घाट, नंबर 4 सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, नंबर 5 थार मरुस्थल और नंबर 6 गारो पहाड़ियाँ। ये 6 जो बिंदु हैं इनको दर्शाना है। तो पहला बिंदु गंगा नदी, तो आपको गंगा नदी यहाँ पे बता देना है। ये नंबर 1 दिए हमने, देखो ये तो गंगा नदी यहाँ पे दर्शा देंगे आप। फिर दूसरी नंबर 2 क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे दर्शाएंगे आप, ये देखिए दिख रही है हरी लाइन है हमारे, ये देखो ये क्या है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। फिर तीसरा पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये देखिए यहाँ से ये क्या हो गया आपका पूर्वी घाट, और इस साइड वाला कौन सा घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से आप पूर्वी और पश्चिमी घाट को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 क्या है, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो ये देखिए नंबर 4 हमने बताया, नंबर 1 सतपुड़ा पहाड़ियाँ ये है, देखो ये यहाँ से ये दिख रही हैं आपको, ये क्या है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और विंध्याचल पहाड़ियाँ ये हैं। तो इस प्रकार से हाँ इनको आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलिए थार मरुस्थल, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है आपका थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे आप किसका मरुस्थल दर्शा सकते हैं, नंबर 5 थार का मरुस्थल। इसके बाद नंबर 6 गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये देखिए ये दिख रही है, ये क्या है आपकी गारो पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या दर्शा सकते हैं आप, गारो पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार नंबर 1 में गंगा नदी हो गई, ये देखिए ये लिख ली हुई है, ये कौन सी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। फिर उसके बाद पूर्वी पश्चिमी, तो ये पूर्वी घाट हो गया, ये पूरा क्या है आपका पूर्वी घाट, और ये कौन सा घाट आ जाएगा यहाँ पर, पश्चिमी घाट। इस प्रकार से आप बता सकते हैं पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियाँ, तो ये सतपुड़ा और ये विंध्याचल हो गई। थार का मरुस्थल, तो ये है देखिए पूरा क्या है, ये थार का मरुस्थल है। उसके बाद गारो की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन रेखा मानचित्र में इन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं, गंगा नदी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 14 के जो मानचित्र फिलअप करने के लिए कहा था वह करके बताएं। फिर भी आपको इनकी थोड़ी डिटेल जानकारी बता दे रहे हैं, वैसे आपकी पुस्तक में यहीं तक दिया है, लेकिन गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। गंगा नदी क्या है, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकली, गंगा नदी कहाँ से निकली है, गंगोत्री हिमनद से निकली है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र निर्मित करती है, गंगा नदी क्या करती है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र निर्मित करती है। और इसकी सहायक नदियाँ क्या है, राम गंगा, गोमती, यमुना, सोन आदि। फिर उसके दूसरी नदी थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में बता रहे हैं, मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से, ये कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से। नंबर 2, तिब्बत में इसे सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यह घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक है, पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर तमिलनाडु केरल राज्य तक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका सतपुड़ा पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक है। फिर नंबर 2, इसी के बारे में देखिए, सतपुड़ा पहाड़ियाँ सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर आपकी विंध्याचल पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का विस्तार भी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत व प्रायद्वीपी भारत की महत्वपूर्ण जल विभाजक है। फिर अगला आता है आपका थार का मरुस्थल, यह राजस्थान राज्य में है। थार का मरुस्थल कहाँ पर, राजस्थान राज्य में है। यह मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सन और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गारो पहाड़ियाँ,
गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों ये हमने आपके जो 6 पॉइंट थे इनका हल्का हल्का डिटेल थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताया। इस प्रकार आपका अध्याय एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अध्याय एक में क्या था? प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यदि बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।